में ब्रिटेन के एक पाउंड के नोट को खत्म करने का फैसला किया गया। लगभग 150 साल के बाद ब्रिटेन के एक पाउंड के नोट को समाप्त कर उसकी जगह एक पाउंड का सिक्का शुरू किया गया। ब्रिटेन के तत्कालीन वित्त मंत्री नाइजेल लॉसन ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही क्विट के नाम से पहचाने जाने वाले नोट खत्म कर दिया गया। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने नोट को बचाने की पूरी कोशिश की थी। वित्त मंत्री ने कहा कि नोट के मुकाबले सिक्के ज्यादा महंगे हैं, लेकिन वो नोट से 50 गुना ज्यादा दिनों तक रहेंगे। 12 नवंबर वर्ष 1946 में महामना मदन मोहन मालवीय का निधन हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया। महामना ने अपना जीवन पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में समर्पित किया। वर्ष 2011 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। वर्ष 2014 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 12 नवंबर वर्ष 2009 में विश्व निमोनिया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिवस को पहली बार ग्लोबल कोएलिएशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा मनाया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर निमोनिया की गंभीरता उजागर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक संगठनों और देशों को निमोनिया से मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का कारण निमोनिया ही है।